एक अंधेरा उजाला लिख के दिखा दीजिए। हम फैन नहीं बनाते, हम सिर्फ पैसा बनाते। मक्खियाँ ज्यादा क्यों बैठती हैं? कहने पता नहीं, मैंने गोया समझ नहीं। तेरे को देखने पैसे नहीं है, तू अपनी कलमा छोटियां करा दे। जब तक मैं तीली नहीं लगाऊंगी ड्रामा नहीं चलेगा। तीली कि ये अपने गले से काफ निकाल के बता दे। गले से काफ, मैं इनके गले से कल मछली का कांटा निकाला, आप काफ की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा कांटा लगा। छाड़ दो, 160 रुपए उन्होंने देते नहीं, वो दी गलत ऑटोग्राफ दे दिया। 11 बजे आपका टीवी की टू घोल जाती होती थी टू। हर दफा आप यही क्यों लिखते हैं कि ये इसके साथ खराब है, वो उसके साथ खराब है? सालियां हमारे माशरे में छोटी बहनों की तरह होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रैम्बो और आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, और मैं आपको अपने शो दी जान रैम्बो शो में वेलकम करता हूं। ख़वातीनो हज़रात, शो शुरू हुआ चाहता है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा पे। पाकिस्तानी ड्रामा जो पूरी दुनिया में देखा जाता था, देखा जाता है और देखा जाता रहेगा। 80 की दहाई में अगर हम जाएं तो सड़कें सुनसान हो जाया करती थी, बाजार बंद हो जाया करते थे, घरों में लोग मिल बैठ के खाना खा के 8 से 9 बजे तक ड्रामा देखा करते थे और 9 बजे की खबरें सुन के सो जाया करते थे। उसके बाद हालात बदलते गए, वक्त चेंज हुआ, 2000 तक तकरीबन जो है वो ड्रामा जो है हमारा उसी तरह चलता रहा। उसके बाद बहुत सारे चैनल्स आए और ड्रामा थोड़ा सा अपना मजाज और मूड बदलने लगा और बहुत सारे ड्रामे बनने लगे, क्योंकि चैनल जितने ज़्यादा आ गए थे, फिर जिस तरह का ड्रामा हिट होना है उसी तरह की भेड़ चाल शुरू हो गई कि हर चैनल ने उसी तरह का कंटेंट मांगना शुरू कर दिया। और इसके बीच में बात ये हुई कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी ये जो आजकल ड्रामा हो रहा है ये फैमिली में बैठ के देखने वाला नहीं है, पुराने ड्रामे अच्छे होते थे, हमेशा पुराना वक्त, गुजरा हुआ वक्त जो है वो लोग कहते हैं जी अच्छा हुआ करता था, आने वाले वक्त में लोग कहेंगे ये वक्त अच्छा था। लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है वो यही है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि जी ये ड्रामा अच्छा नहीं है, फैमिली के साथ देखा नहीं जाता। टेक्नीशियन की बात नहीं हो रही, एक्टर्स की बात नहीं हो रही, सब्जेक्ट की बात हो रही है। जो सब्जेक्ट हमें दिखाया जा रहा है, एक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं, टेक्नीशियन हमारे बहुत अच्छे हैं, और जो सब्जेक्ट दिखाया जाता है वो हमारे माशरे में नहीं होता। लेकिन फिर उसकी रेटिंग क्यों आती है, फिर वो देखा क्यों जाता है, वो बनाया क्यों जा रहा है, यही आज हमने देखना है और सोचना है। शिकायत हम जरूर करते हैं और जिस चीज़ की शिकायत करते हैं उसी को देख रहे होते हैं। तो आइए आज ज़रा बात करते हैं, मेरे साथ कुछ सीनियर एक्टर हैं, कुछ बिल्कुल नए एक्टर हैं, जूनियर एक्टर हैं। सबसे पहले हम आते हैं और हमारी आर्टिस्ट हैं जी 90 की दहाई में बेहतरीन ज़बरदस्त ड्रामे की ये क्या अपने करेक्टरों पर छाप लगाई है। नाम भी लीजिए, नबीला हाशमी। नबीला हाशमी, माशाल्लाह जी, मैं लेने ही लगा था, आपने खुद ही कह दिया नबीला हाशमी। और वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं, बच्चे कैसे हैं, सास कैसी हैं, फैमिली में बाकी सब घर वाले खैरियत से हैं? मैं आपकी खैरियत दिलो जान से मतलब चाहती हूँ। जी बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इनके साथ बैठे हुए हैं 90 की दहाई के हमारे एक बहुत अच्छे एक्टर, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ सर। मैं सदीक नासिर। जी जी सदीक नासिर जी जी, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रैम्बो भाई आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है और बात करने का कुछ मज़ा भी आएगा, क्योंकि अभी आपने जो स्टार्ट किया कि सबसे पहले मैं आपके शो का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका शुक्रिया, आप आए, आपने बुलाया, आपका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, ये कैमरे मैनों का शुक्रिया, लाइट मैनों का शुक्रिया, जिसने ये टेबल बनाया उनका शुक्रिया, जो सेट लगा के गया उसका शुक्रिया, जिसने पेंट किया उसका शुक्रिया, जी जी, वो अम्मा जो दाने भून रही है उसका शुक्रिया, पीछे जो ढके आ रहे हैं उसका शुक्रिया, ठीक है, ये जो फ्रेम लगे हुए इनका शुक्रिया, ये जो तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए आपके साथ गुफ्तगू का अंदाज मतलब आगाज करेंगे, तो आप जिस मौजू के लिए आज बातें छोड़ दीजिए, जनाब ने जो हाइन निकाला है गले से आप उसका मजा लीजिए। क्या करते हैं आगाज के लड़के बता दे ऐसे कैसे? ये वही पे हमारा असल में पहले हमारा जो पहले जो फाइट होती थी स्क्रिप्ट पे होती थी, उसके बाद उस पे जो लिखी हुई लाइन आती थी उस पर हम गौर किया करते, लफ्ज और तलफ्ज़ को मद्देनजर रखते हुए 6-6 साल गौर करते। और मुझे याद है कि जब हम गेस्ट हाउस कर रहे थे तो
जो अनाउंसर हुआ करती थी कि आइए अब ये प्रोग्राम देखते हैं या वो प्रोग्राम, उनसे एक लफ्ज की जेर जबर पेश की अगर गलती हो जाती थी तो फौरन नीचे हाजिरी हो जाती थी, बुलाएं जी दफ्तर के बाहर कान पकड़ाए होते नहीं नहीं कान नहीं मैंने खुद ऐसी नहीं नहीं मैंने देखी हुई है, गलत बात कर रहे हैं, मैं झूठ बोलने की हाजिरी हो जाती थी, हाजिरी का मतलब यही होता है कि कान पकड़े हुए, नहीं हमारे यहाँ अजराए मजाक आप ये बात कर रहे हैं, रीटेक जब होती थी हम अपनी इंसल्ट समझते थे कि सीन में रीटेक हुआ, इस पर मेहनत क्यों नहीं की, स्क्रिप्ट को क्यों नहीं याद किया गया, इसको मद्देनजर क्यों नहीं रखा, उसके पॉज का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, उसने फिक्रा बोला, उसने जब छोड़ा है तो उस वक्त हमने फिक्रा पकड़ना, नहीं नहीं ये इस पे बात बाद में होगी, और हमने उस्ताद नहीं पकड़ा फिक्रा पकड़ा, बिल्कुल सही बात है जी, बहुत सारी तालियां थी मेरे मेहमानों को, सदीक नासर जी, सदीक नासर के लिए, नबीला हाशमी के लिए है, हे जरा यार अंदर से निकालने की कोशिश, नबीला हाशमी आपको पता है कि आजकल सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं जी, जैसे अंदर से आपने गर्म कपड़े निकाले वैसे हे निकाले, जैसे कूलर में से गर्म अंडे निकालते हैं उसी तरह, बहुत सारी तालियां, और कुछ सवाल रह गया उधर तो कर ले भाई आप, हेलो रेम्बो, बाकी सबका भी हाल है, जी जी जी, बात रह गई तो कर, नहीं नहीं आपकी तरफ आया हूँ, नहीं इतना मतलब स्लो प्रोग्राम, इतना फेंक के किया प्रोग्राम आप, नहीं नहीं स्लो मतलब ये आप जितने पुराने लोग हैं आपकी ये आदत है कि हर चीज को गिरा के करना है आपने, नहीं नहीं इतना ट्रैक किया आपने, नहीं नहीं मतलब क्या कर रहे हैं आप, आपको पुराने लोग वो पुराना सालन बैठा हुआ तो आप बात किए जा रहे हैं, हम आज के नए डायरेक्टर है नए राइटर है, आप हमसे बात नहीं कर रहे, नवी हांडी भी तो सड़ी पई है ना, वही नवी हांडी कड़ा ताजी पई है, शाहदुल्ला सैयद को बुलाया आपने, मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ, इतनी उर्दू हाशमी साहब तो बैठी हुई है ना, साहब छोड़ दो यार, बुलाया जो खेत पे डिस्कस कर रही है मसाले वाली बात, 12 साल हो गए ने घर में फर्क बैठे मसाले वाली बात, आपने कहा आदमी अपना जिक्र करे, देखे मेरी बात सुने जी, आपने अभी जिक्र पहले मुझे बताने दें कि आप कौन हैं, जी मैं खुद बता लूंगा, ये बताना है कोई अल्लाह माफ करे कि आपके बताने का मैं कोई जवाब, अच्छा आप अपने मुंह से ही बता देंगे, पब्लिक को पता मेरा, मैं उनको पता बहुत बदतमीज आदमी कौन है आप, क्या बता दें क्या करते हैं, क्या मतलब आपने, या मुझे आपने खुद कहा कि मैं खुद बताऊंगा जी, नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा कि मैं खुद बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैंने ये कहा है कि मैं खुद बता दूंगा, इसके वोकल की बेस जी, हमारे मौजूदा दौर के राइटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, इसके वोकल की बेस देखिए जरा, बिल्कुल वो नजर नहीं आ रहा कुछ अंदर होगा, बहुत शुक्रिया, और हमारे आज के ड्रामों के बहुत ज्यादा टाइटल करने वाली, हर ड्रामे में नंद बनती है या सास बनती है या बहू बनती है या जेठानी बनती है, बंदे की पुत्र नहीं बनती, देखिए आप तमीज से बात कीजिए, और इन्हीं के ऊपर टाइटल ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइटल कर रहे हैं आजकल, बात सुनो मेरी बात, अच्छा बारी बारी आप अगर बात करेंगे तो मेरे सुनने वालों को भी समझ आएगी, आज के दौर के लोग हैं इन्होंने खप डालनी है और सच्चे हो जाना है, ये मोहतरमा जिन पे ये आप टैग लगा रहे हैं कि हर तरह का टाइटल इनको मिलता है इसकी वजह जानते हैं, जी जी उसकी वजह ये है कि इनका पिंडा बहुत बड़ा है, हर टाइटल इनके ऊपर, इनके ऊपर तो गाने बने हुए हैं, मेरा यार पिंडे था, मेरा यार पिंडे था, मेरा यार पिंडी था, ये पाकिस्तान टेलीविजन के एमडी के साथ इनकी अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते थे, ये काम नहीं कर सकते, माफ कीजिएगा ये सरासर तोहमत लगा रहे हैं, नबीला हाशमी की जिंदगी का रिकॉर्ड है, आज तक मेरे कोई भी स्कैंडल नहीं बना, ये बदतमीजाना गुफ्तगू आप मेरे साथ, 15 दिन पहले आपका स्कैंडल बना, मैं बताऊंगा भी आपको कौन सा स्कैंडल फरमाई, आप जब आई हैं यहाँ पे रिक्शे वाले के साथ आपका स्कैंडल था, वो आपको किस तरह से देख रहा था, उसने आपसे किराया लिया, आप कहेंगे कि वो फैन था, अरे वो मेरा फैन था और हमने आपका फैन 80 साल का ही हो सकता है, आप फैन नहीं बनाते, ये बात बिल्कुल सही है जी, कि जितने पैसे आजकल टेलीविजन के एक्टर को मिलते हैं ना कभी मिले थे ना शायद कभी मिले, और इज्जत किसकी होती है ये जरा बताइए, रिक्शे वालों ने इनसे पैसे नहीं है, इज्जत की, इज्जत किसकी होती है, जो पैसा नहीं कमाता, जो कमाता है पैसा उसके हाथ में होता है, तेरे को देने पैसे नहीं है तो अपनी कलमा छुट्टियां करा दे, देखो आप सुनो मेरे, अपना तमिलनाडु के अपना तमिलनाडु क्या नाम है अपना, इफी साहब, रैम्बो यार बात सुनो, देखो आप भी पुराने लोगों में आते हो, किड्डे पुराने की आप
मुझे 20-25 साल से तो आप कर ही रहे होंगे। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो अभी मैं आपको पॉलिश करता हूँ, आगे पीछे से पॉलिश करता हूँ, यकीन करें आपको मैं स्क्रीन पे लेके आ जाऊंगा। हमारे सही से पॉलिश करने वाले तो फील्ड में आ गए हैं। पॉलिश ना करके बंदा पॉलिश कर रहे हैं। आपने अभी लफ्ज बोला, असल में लफ्ज ये पॉलिश भी नहीं है, ये पॉलिश होता है। मैं आपको पॉलिश करके पेश कर, चले पॉलिश करके देखें। वजीर आजम हाउस में भी लोग पॉलिश करते हैं, समझ आ रही है? फर्नीचर होता है, एक्टर नहीं होते वहाँ। चले फर्नीचर होता है, बात की बात है। आपने रैम्बो को सोफा समझा हुआ है? रैम्बो साहब बात सुने, आपको पॉलिश करके हमारे सहित की जगह पे, हमारे सहित की जगह पे खड़ा करूँ, यकीन करें। कितने पैसे कमाए, बूढ़ा आदमी है बेचारा, यंग लड़का लगता है कि नहीं? देखें हमारा काम है, लोग आप पसंद कर रहे हैं ना, उसमें एज नहीं चली, उसका काम चला है, काम जब भी आप अच्छा करेंगे, परफॉर्मेंस चली है। अच्छा एक तो सबसे पहले आप लोग एज का जिक्र करना छोड़ दिया, चले एज का छोड़ दो, हर वक्त एज का जिक्र, फलाना कितना पुराना है। आपने रैम्बो की मिसाल दे रहे फर्नीचर के साथ, रैम्बो पे तीन बंदे बैठते हैं, अस्सी की दहाई की बात की, 8 बजे लोग दुकानें बंद करते। जी 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 रैम्बो साहब, उस वक्त लोग वैसे ही जल्दी सोते थे, ठीक है? और ये ज़हन में रखिएगा, हमने जितनी इस कौम पे नेकी की है, यकीन करें कोई कर ही नहीं सकता। 80 की दहाई में जितने लोग हैं, 9 बच्चे 10 बच्चे, उसका मतलब क्या है कि सब लोग जल्दी सो जाते थे। महबूत आबादी के ट्रैक्टर हैं। नहीं, अगर उस दौर में लोग जल्दी सो जाते थे तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी हमारा ड्रामा, जो आपको रिलैक्स करके ठंडी सी नींद सुला देता था। आजकल आप इतने तत्ते ड्रामे ला रहे हैं, किसी को नींद। उधर 11 बजे आपका टीवी की टू बोल जाती होती थी, टू म्यारी काम होता था उस वक्त, थोड़ा होता था, आपके तो म्यारी बाल नहीं है भाई। क्वांटिटी कम होती थी, क्वालिटी ज्यादा होती थी। हमारे दौर में जब टेलीविजन 12 बजे बंद हो जाता था, हो जाता था तो लोग आराम से सोते थे, सेहत भी उनकी ठीक होती थी, बिल्कुल फ्रेश सुबह उठते थे, रात को नींद पूरी कर किया करते थे। सिर्फ बच्चे सोते थे, बड़े जाग रहे होते थे। बड़े अब अपनी जरूरत, अपनी जरूरत के तहत सबको जागना पड़ता है। हमारे दौर में सब बंदे, औरतें, खवातीन 8 बजे घर का काम खत्म करके आराम से सो जाया करते, और कारोबारी हजरात सुबह के टाइम नमाज पढ़ के घर से बाहर निकला करते थे, अपनी अपनी दुकानों पे जाया करते थे, और आम मार्केट दुकानों में कितनी बरकत हुआ करती थी। बिल्कुल, आज के दौर में ये देखे है, बिल्कुल सही। क्यों नहीं है बरकत? बुलाओ बरकत को बाहर, बरकत ने मामला है। हम 2 बजे सेट पे जाते हैं, आपसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। 2 बजे सेट पे जाती है, सबसे ज्यादा पैसे लेती है जी। 2 बजे सेट पे जाती है तो सारी जिंदगी आप सेट भी तो रहती है। क्यों आप सेट में क्यों नहीं? आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है। मैं फुल एंजॉय करती हूँ। फुल एंजॉय आप अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन जब हमारे साथ आप आएंगे आपको वो एंजॉय और तरह की मिलेगी। रैम्बो साहब मैं आपको शर्तिया कह रही हूँ कि अगर ये आज के दौर की मोहतरमा फनकारा है तो इनसे कहिए कि इनमें इतनी अहलियत है कि ये अपने गले से काफ निकाल के बता दे। गले से काफ, मैं इनके गले से कल मछली का कांटा निकाला, काफ की बात कर रही हूँ। कांटा लगा तो किया हमने, ये वो है, बिल्कुल किया। बड़ों का अदब करना चाहिए। नहीं, हमारी हमारी बहुत सारी सीनियर आर्टिस्ट अभी भी काम कर रही हैं, जो 80s में भी करती रही हैं, 90s में भी करती रही हैं, उनकी उर्दू अभी भी बड़ी जबरदस्त है। कितनी खूबसूरत उर्दू उनकी, ठीक हुई है लगता है अभी तक नहीं है उन्होंने। रैम्बो साहब मेरा तो ये कहना है कि ये आजकल के सारे राइटर्स मिल करके एक अंधेरा उजाला लिख के दिखा दीजिए। हम अंधेरा उजाला नहीं बना सकते, आप सारी पुरानी एक्ट्रेस मिलकर इस जैसा मूड बना के दिखाएंगे। वो तो अंधेरे में है, वो अंधेरा उजाला क्या बनाएंगे, वारस ड्रामा बनाए, वारस बनाकर दिखाएं, वारस समंदर समंदर बनाकर दिखाएं, प्यास बनाकर दिखाएं। और वो जिसमें कडू साहब थे, वो ड्रामा क्या था, ख्वाहिश, ख्वाहिश ड्रामा बनाकर दिखाएं, ख्वाहिश। ये जितने नाम लिए ये तो ये बना नहीं सके। अगर इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बनाया है तो वो है पैसा, बिल्कुल पैसा बनाना चाहिए। कोई पैसा है तो तेरे को रक्षा लेना, उधार करके नहीं आए। हमने उससे उधार नहीं किया, उसने अजराहे हमदर्दी हमारा किराया माफ कर छाड़ दे, 160 रुपये उन्होंने दिते नहीं, वो दी गलत ऑटोग्राफ दे गया। देखिए फाइन फॉलिंग है,
ये मोहब्बत है उनकी, जड़ी रिक्शे दे विचो पिछो नजर आउन नहीं हो। अरे ये बताएं मोहतरमा क्या कह रही थी आप गाड़ियों के बारे में? मैं कह रही थी कि मेरे गैराज में 6 गाड़ियां हैं। क्यों आप किसी की गड्डियां का तेल बदल देते हो? हर बार आके कहते हैं मोबाइल चेंज कर दो। नहीं नहीं, वो इतने पैसे कमाती हैं कि आजकल तो आप 2 ड्रामे करें गाड़ी ले लेते हैं। रेम्बो साहब बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियों के साथ इज्जत नहीं बनती। इज्जत क्यों नहीं बनती? गाड़ियों के साथ नाम नहीं बनते। मेरे बगैर एक ड्रामा नहीं हो सकता, कह सकती हूँ आपने कभी ये सोचा कि जो ड्रामा आप पेश कर रही हैं वो हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते? इतनी लाज आती है कि मैं आपको बताऊं, फैमिली मतलब बच्चों की बात कर रही है ना, बच्चे उस वक्त गेमें खेल रहे होते हैं, आप अभी फजूल बात कर रही हैं, बच्चे कब ड्रामा देखते हैं? नहीं, आप ड्रामा देख रहे होते हैं, बच्चे गेमें लगा रहे हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप लिखते हैं यही कहानियां लिखते हैं? आप मुझे पता है इफ़्फ़ी साहब आप लिखते भी हैं और डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, हर दफा आप यही क्यों लिखते हैं कि ये इसके साथ खराब है, वो उसके साथ खराब है, वो उसके मुझसे कहा भी नहीं। धरे धरे आप जो उन्होंने देखना वही लिखना। एक मिनट, मतलब सालियां जो हैं, सालियां हमारे माशरे में छोटी बहनों की तरह होती हैं। तो ऐसा होता नहीं है, मुझे बताएं, मेरी अपनी साली जो है वो मेरे साथ उसका फेर था, ऐसे होता है? मतलब फिर आप ये साथ ऐसे होता है, सब टाइटल पे लिखा करें मेरी जाती कहानी। 5% ऐसा होता है तो आप उसी पे ही सारे ड्रामे बना ले, 95% पे ड्रामा क्यों नहीं बन रहा आज? होने को सब कुछ होता है, वो दिखा सकते हैं हम। ये जो आपकी इस दौर में ये जो वबा आई है ये तो अब आई है, हमारे दौर में कोई वबा भी नहीं थी, फिर भी हम 6 फुट के फासले पे बैठ करके रिहर्सल किया करते थे। और ये बूटियां के पीछे लोग के आप बातें करते थे, हमें पता है पर्दा होता था। देखिए कदर घटिया ज़हनियत के हामिल है आप साहब, और रिश्तों का तकद्दुस पामाल कैसे कैसे कहाँ करना ये आपसे कोई सीखे? देखिए जी खुरातुलैन भी हमारी बिरादरी की है, हमारी बड़ी बहन है, और आजकल के दौर में जैसे ही ड्रामा सीरियल स्टार्ट होता है पहले पार्टी होती है और फिर ड्रामा स्टार्ट होता है। आपको तो अपना पता ही नहीं, देखिए विग लगा के बैठी है, इतने से बाहर रह गए। आप खींच के देख ले, खींच के देख ले तो आधा बंदा खींचेगा, मैं खींचूं? मैं बाल क्यों खींचूं उसके बाल में? गाड़ी साफ से खींचे तो आधे बाल। पहले उनकी पूरी बात तो सुन ले। इस कदर घटिया ज़हनियत का हामिल है ये, इस वजह से मैं कभी भी इसके साथ, अगर मैं भूखी मर जाऊंगी घर में बैठ के, मैं इस तरह के घटिया शख्स के साथ काम नहीं करूंगी। ये मासूफ जो सामने बैठे हुए हैं इतने मतलब अकल है ही नहीं है। मैंने पूछा, मैंने कहा भैया आप पे मक्खियां ज्यादा क्यों बैठती हैं? कहने पता नहीं, मैंने गोया समझती है। आप कॉमेडियन तो मुझे लगते नहीं है, आप जूते ये बात अज़राए तफन्नुन की है। अच्छा तफन्नुन की है, अज़राए तफन्नुन। इस बात अच्छा जी एक एक अब ये आज का राइटर है, इसे कहो अज़राए तफन्नुन लिख के दिखा दो मुझे। पहले जब भी ड्रामे समंदर को ले लें, आप सोना चांदी ले लें, तन्हाइयां ले लें, अंधेरा उजाला ले लें, साथ थोड़ा सा रायता ले लें, दही ले लें, कबाब ले लें, 2 टिक्के ले लें, साथ पेटे देखे और खाए। हर ड्रामे में हर तरह के मूड का एक्टर करेक्टर होता था। एक ही घर में एक ही मूड के बंदे नहीं होते, फ्लेवर होता है। कोई कोई डिप्रेशन का मारा होता है, कोई कोई डिप्रेशन वाली बात, फोतगी वाले दिन भी कोई उसे बुरी खबर सुना दो वो भी हंस के सुनता है, अच्छा एक्सीडेंट हो गया, अच्छा अच्छा अल्लाह खैर करेगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, मैं वही आ रहा हूँ ना, हर मिजाज का बंदा होता है, लेकिन आपके ड्रामे में सबके मिजाज एक जैसे होते। क्या मतलब? सब सीरियस हैं और सब चुप हैं और सब रो रहे हैं। ऐसा होता है, एक ही मिजाज यार, ये क्या होता है भाई? मुझे ये बताएं, एक ही घर में एक ही मूड के बंदे होते हैं? ऐसा होता है, किसी के घर गए हो कभी रेम्बो साहब? हम कभी किसी के घर गए? हम क्या जंगल में रह रहे हैं? आप किसी रेम्बो साहब के भी गए? कभी नहीं गए। आप क्या हंसती होती हैं? पीछे हो जाओ पीछे। मैं रेम्बो साहब, मैं ऐसे बंदे, मैं घर की बात, मैं ऐसे बंदे को मारूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता है नासिर साहब, एक घर के लोग आप दिखाते हैं उसमें हर मिजाज का बंदा होना चाहिए, आपके हर ड्रामे में एक ही मिजाज के बंदे होते हैं। वो तो अपनी मर्जी के घर बनवा ला पाकिस्तान। मैं जो करेक्टर करती हूँ मुख्तलिफ, और बिल्कुल ये सही करेक्टर करती है, हालांकि इसका सही करेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी ये सही करेक्टर करती है। मैं जो काम करती
जाती है मुझे उस काम की मिलती है पैसे। और जब मेरे घर में इतना बड़ा चेक आता है तो फ्रेश हो जाती है। आपको ये बताता हूँ रेम्बो भाई, ये जो खातून है बहुत पैसे कमाती है, हमसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, चेक भी ज्यादा, बल्कि नेट मिलता है इनको, कैश मिलता है। तो मोहतरमा से ये पूछे, अगर ये बहू बनी है तो इसी लिबास और इसी मेकअप में बनी है, अगर सास बनी है तो यही इनका गेटअप है, उसी तरह का मेकअप हुआ है, अगर ये मजलूम औरत बनी है तो इसी तरह का गेटअप इसका हुआ है, इसकी वजह मुझे आप पूछ कर बता सकते हैं? पहले हमारे यहाँ फिल्म उठाकर देख लें, टेलीविजन उठाकर देख लें, उनके ड्रामे देख लें, मेन हीरोइन जो होती थी जिसका बहुत ज्यादा नाम था, जो सेल होती थी, जिनका नाम लिखकर कामयाबी की जमानत समझा जाता था, अगर उनको नौकरानी बनाया है तो उन्होंने नौकरानी वाला लिबास पहनकर वो एंटर होती थी। अब इनको नौकरानी आप बना दो, जो इसी तरह की साड़ी पहन के आएंगी, इसी तरह के काम किए हुए कपड़े पहन के स्क्रीन पे आएंगी, तो इसमें हकीकत किधर गई? पूरे प्रोग्राम में कहीं बंदे को बोर भी होना चाहिए, करो यार बातें करो। मैं गौर से बोर हो रहा हूँ, सुनो। आप गौर से हो रहे हैं, हम सालों साल से और ध्यान से आपके ड्रामे देखते के बोर हो रहे हैं। हमारे ड्रामे से हीरोइन है जो सुबह सो करके उठी है और लिप ग्लॉस लगा रखा है, मेकअप लो बहुत अच्छे, जब देखे नहीं वो तो वो उनकी प्रॉब्लम, औरत का इख्तियार है। हमें तो आजकल ये है कि जिस शो की जिस ड्रामे की रेटिंग आ रही है ना वो बेस्ट है। देखे ये इतना कॉम्प्रोमाइज नए एक्टर करते हैं, यकीन करें, मैंने एक मर्तबा से कहा कि तेरी ट्रेंड करवानी है, एक करवा के करवाइए, सारा यूनिट दौड़ गया। देखिए जी सब बातें छोड़ दीजिए, हमारी जो बहुत अच्छी हीरोइनें थी, जो मेरी बहुत अच्छी सखियां भी थी, जैसे कि मारिया वास्ती, सादिया इमाम, आरफा सिद्दीकी, इसके साथ की कोई एक हीरोइन लेकर आइए जी। क्या बात है, इन सब नामों के लिए बहुत ताली है, क्या बात है। सबा फैसल, सबा हमीद, समीना, समीना जी माफ कीजिएगा, वो तो हमारे दौर की है। बस भैया आपके यहाँ ड्रामे नहीं होते, शादी ही होती है। अरे भाई कोई नई लड़कियां बताई, कौन सी लड़कियां आपने इंट्रोड्यूस करवाई? आयजा खान, ओके, नीलम मुनीर, नीलम मुनीर तिल देखे कैसे, भी मरते हैं उन पर। सभा कमर काम नहीं देखते, तिल देख, नहीं नहीं ये नाम तो है, इन्होंने काम तो बहुत ही है। देखे जी मैं मेरी एक बात सुन, एक बात, एक मिनट, आर्टिस्टों की कमी नहीं है इसमें, ये बात है, आर्टिस्टों की कमी नहीं है, काम करवाने वालों की कमी। अभी तो महफूज शहजाद का नाम नहीं लिया, उसको तो वो ही पार्ट मिल गया जो अभी अभी मतलब बने ही नहीं है। सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, उस सब्जेक्ट पे बात हो रही है भाई, वही सब्जेक्ट हो रहा है जो इस माशरे में हो रहा है, ऐसा होता है हमारे माशरे में। आयजा खान, महविश हयात, नीलम मुनीर सबको बिठा लीजिए और तन्हाइयां की एक सनिया पैदा कर दीजिए आप मुझे कैरेक्टर्स में। तन्हाई बात सिर्फ ये है कि इफ़ी साहब आप हमें सिर्फ ये बता दें, लोग कहते हैं जी कि ये सब्जेक्ट जो बन रहे हैं ये हम नहीं देख सकते, बच्चों के साथ नहीं देख सकते, बात इस पे हो रही है, टैलेंट पे नहीं हो रही। बेवकूफी की इंतहा है रैम्बो, कि अगर लोग देखते नहीं है तो रेटिंग किस चीज की आती है बताएं, मुझे ये बताएं, टॉप वन पे जाते हैं हमारे ड्रामे, ये आप बताएं, सर घर में रेटिंग मशीनें लगाई हुई है खुद इन लोगों ने, रेटिंग मशीनें लोग देखते हैं, वो प्रिंटिंग मशीनें होती हैं, उधर से रेटिंग आती है, वो प्रिंटिंग मशीनें होती हैं। मैं इस फील्ड में रहता हूँ, मुझे सब पता है कौन क्या करता है, इतनी हम मतलब एक आज से काम इधर हो जाओ तो अड़ते ने जुआ सुट देनी है, मैं तुम्हें दस दूं। आपको ड्रामा साल में एक या दो मिलते थे जी, ठीक है, और आपका गुजारा कैसे होता था? रैम्बो साहब असल में हम और भी काम साथ साइड बिजनेस भी हमारे हुआ, दुपट्टे रंग दा सी ना, और ये सब एक्टरों के अपने अपने काम हुआ करते थे, फिर उसके बाद हम अपनी चॉइस से काम करते थे, हम ये नहीं करते थे मैं इसमें भी करूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, अपनी मर्जी से एक ड्रामा हम इसलिए करते थे कि इसमें जो मेरा किरदार है, मेरा जो रोल है, जो मेरा उसमें आप ढल जाएं, एक्ट करना है मैं उसमें ढल जाऊं। आप यकीन करें बने पूरे खानदान के कपड़े सी दिए सिर्फ इसलिए कि रोल में इन्वॉल्व हो, ये जो मानसिक लाश का रोल होता है काम के लिए कुर्बानी दी हम लोगों ने। अच्छा, मैंने एक सीरियल था अयूब खावर साहब को आप जानते हैं जी जी, बड़ा बहुत बड़ा क्या पर्सनैलिटी लगता है, मंदली सोता उठा वो
हमारे सीनियर मोस्ट हमारे जानी 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 देखिए जानी मैं आपको बताता हूँ, वो मोहब्बत वाले बंदे हैं, उन्होंने मुझे एक करेक्टर दिया, मुझे बुलाया, मुझे कहने लगा जानी असल में बात ये है कि हम एक किरदार दे रहे हैं, बहुत से लोग हमने देखे वो कोई इसमें फिट नहीं आ रहा, तो तुम ये रोल करो, वो पागल का रोल था। अच्छा। रैम्बो साहब आप यकीन करें मैंने अपनी दुकान बंद कर दी, अपना घर छोड़ दिया। अच्छा। 8 महीने पागल खाने रहा, वो 8 महीने के बाद मुझे लेने के लिए गए तो डॉक्टरों ने पहचानने से इनकार कर दिया कि ये बंदा असल है या पागल है। लेकिन ये भी एक बेवकूफी है कि ये एक काम करने के लिए आप सचमुच पागल हो जाएं। सर, रैम्बो साहब ने उस काम को सेव करना होता है। अगर आपने जिंदगी में शराब नहीं पी तो आपने शराबी का रोल करना है, हाँ। तो आप शराब पीना शुरू कर देंगे, ये मैं नहीं मानता। दो बोतल पी लो, क्या फर्क पड़ता है। रैम्बो साहब ये जो पागल का रोल इन्होंने किया था ये 20 साल पहले की बात है। जी जी, आज तक ये पागल है। इनकी हरकतें देखें, ये बार बार यूं करना, ये स्टाइल था, ये देखिए ये पागल वाली है। आप लोग तरसे हुए, आपके तो बाल ही नहीं है। ये देखे हैं, ये ये हमारे लोगों, हमारे स्टाइल को, हमारे कपड़ों को लोग कॉपी किया करते थे। जब मैं यूं बाल के यूं फेंकता हूँ ना, तो रैम्बो ने मेरे स्टाइल को कॉपी किया, उसने फूंक मार दी। तेरी फूंक भी नहीं निकलती ना रैम्बो की फूंक निकल। उम्र तो उम्र का हिसाब होता है। हमारे दौर में ये हुआ करता था कि जब भी किसी राइटर ने कोई ड्रामा लिखा है तो उसको पहले ही ये इल्म होता था कि कौन सा आर्टिस्ट कौन सा रोल कर सकता है। सिलेक्शन होती थी उनकी, किस रोल में कौन सा एक्टर फिट बैठता है। और यही वजह है कि आज भी हमारे दौर के एक एक ड्रामे के एक एक कैरेक्टर लोगों को जबानी याद है। अंधेरा उजाला के सब कैरेक्टर लोगों को जबानी याद है। सोना चांदी के कैरेक्टर्स आज भी लोगों को याद है। और ये नई नौजवान नस्ल, इनको सिर्फ पैसा याद है जिससे इन्होंने सोना लेना था। बात बताएंगे, उस वक्त एक टीवी चैनल होता था जी, ठीक है, हाँ जी। उसमें मतलब एक मैच लगता था तो पूरा दिन गुजर जाता था जी। एक सीरियल चलता था, एक दिन में एक एपिसोड चलना, ठीक है। आप देखिए 200 चैनल है, इनका पेट भरने के लिए हमें दिन रात काम करना पड़ता है, क्या समझे। हमने रात को लिखना है, सुबह शूट करना है, फिर चलाना भी है। रात को लिखते हैं, दोपहर को शूट करते हैं, सुबह चला देते हैं और फिर अगली रात को कह रहे थे एक चल गया। पेट भरने के लिए रैम्बो साहब, पेट भरने के लिए खुराक अच्छी होनी चाहिए जी। हाँ जी, अगर खाने की बजाय आप रेत डाल देंगे पेट के अंदर तो क्या कंडीशन बनेगी, पथरी बन जाएगी। पथरी तो नहीं दीजिए कि क्या मतलब, आप क्या बात कर रहे हैं, आपको समझ नहीं। आप बात समझे नहीं, अचानक अपनी इंज करके तो लुवा ले डोर फ्रेंड है ये मेरे थे तो लुवा लड़ी। ये बात करते हैं, ये इनको तमीज नहीं, पेट भरना है। देखे ये बात आपने भी ठीक की है। एक ड्रामा बनता था लाहौर में, एक कराची में, कभी कभार एक इस्लामाबाद में या कोयटा में, या कभी कभार पेशावर में, दो चैनलों से लगातार बनते थे। वही बनते। आपकी बात भी ठीक है, साल में एक ही ड्रामा एक एक्टर के हिस्से में आता था। अब चैनल्स इतने हैं, उनका पेट इनको भरने के लिए दिन रात लिखना पड़ता है, दिन रात शूट करना पड़ता है और फौरन चलाना पड़ता है। लेकिन आप धुआं जैसा एक ड्रामा ला करके दिखाइए। और बीबी आप धुएं की बात करती हैं, मैंने घर घर में आग लगा दिया और गाना भी लिख दिया, अब लाके सानू इश्क के दिया। नहीं नहीं, वो इनकी बात नहीं है, ये सही कह रहे हैं कि घरों में आग लगा दी है इन्होंने, धुआं हर रिश्ते में इन्होंने आग लगा दी है। आप मुझे ये सिर्फ इतना बता दें कि आपको कैसे ख्याल आता है कि आप खवातीन पे ही लिखा जाता है, और आपके अलावा और बहुत सारी खवातीन भी हैं जो राइटर हैं, तो वो लिखे जा रही हैं औरतों पे लिखे जा रहे हैं। इनको कोई खवातीन के अलावा आपको कोई बंदा नहीं मिलता जिसपे लिखे। इनको कोई खवातीन मुंह नहीं लगाती ना, रेटिंग भी तो लेनी है ना। रैम्बो साहब आप पुराने लोग हैं, ग्लैमर डालना पड़ता है, मेरी बात समझे। देखें आप रेजर है, एक रेजर मर्द यूज करता है, उसकी आप कमर्शियल देखते हैं तो उसमें लड़की है ना, चाहे वो रेजर पकड़ाती है लड़के को, लेकिन वो उसे कमर्शियलाइज करने नहीं, वो आखिर में आके कहती है देखें अच्छी से। आपको याद है ना, अगर पूरी कमर्शियल में
से ये आहा निकाल दे तो कमर्शियल में रह क्या जाता है, सिर्फ एक रेजर एक चिबे जा मुंह वाला बंदा। रैम्बो साहब सुनिएगा, ये कमर्शियल्स की तरफ भी आवाम को यही मखनचू लेके आया है। हमारे दौर में कमर्शियल्स हुआ करते थे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, तब भी तो लोग देखते, फिर भी सलामत नहीं सर रहेंगे ना, रहे दुआ तो करते थे ना। क्या बात कर रहे हैं ये पागल, ये सर इसका बस नहीं चलता, ये हर काम में लड़की डालते, इसने बिरयानी लगाई उसमें भी लड़की डाल दी। बिल्कुल जी, मैंने बिरयानी में लड़की डाली। देखे मैंने बिरयानी का बिजनेस शुरू किया, लड़के को खड़ा किया मैंने रिसेप्शन पे, यकीन करें मत वाजिबी कोई सेल नहीं हुई। अच्छा। उसके बाद मैंने लड़की डाली है, ट्रक गाक दे गाक ट्रक गाक, कईयां नु बादी होए सन फिर भी चौल खाए जा रहे हैं। असल में भाई जान इनसे ये पूछे कि आपकी शक्ल है खाने पीने वाला कारोबार करने वाली, आप तेरे हाथ से कौन लेकर खाएगा ये बंदा, कहाँ से हिट हुआ? मैंने आज तक ये बंदा टीवी पे नहीं देखा, एक दफा मैंने देखा शायद नुमान जहाज के पीछे कुहाड़ी फड़ के खड़ा। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है आपने नुमान भाई का नाम ले लिया। जहाज के पीछे मैं कर रहा था, आओ नहीं आओ। अच्छा आप लोगों से एक सवाल है, ये जो नए लड़के लड़कियां आए हैं उनमें से कुछ, सब की नहीं मैं कह रहा, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने सीनियर्स का काम नहीं देखा हुआ और उनके सेट पे कुछ सीनियर्स कास्ट हो जाता है, साइन हो जाता है, तो वो उससे मिलते जुलते नहीं है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये हमारे सीनियर हैं, इन्होंने पता नहीं कितना काम किया। देखिए रैम्बो साहब, आजकल का जो दौर जा रहा है, अब जो लड़के आते हैं, नए लड़के आते हैं, अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूछे कि ये कौन है या मैंने इनसे सलाम दुआ लेनी है कि ये कहाँ के है। को खंगे सेट देते वो वेख लेंदे ने कि सीनियर लगदा नु खंग लगी। और कोई बात नहीं, अब तो वो डायरेक्ट डील कर कर आते हैं, काम करते हैं, वहां से हिट हुए तो हिट होते हुए चले गए। इनमें कुछ हाथ साथी किस्म के एक्टर भी हैं। हाँ जी, गड्डी में थल्ले निकल के आए। मेरा मतलब है कि अचानक से आ गए हैं, जिनके वालदैन खुद ड्रामा आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस बना लिए, अपने बच्चों को ड्रामों में लिया और ड्रामा चला दिया, तमीज तो नाम की नहीं रहेगी। अभी एक नई आर्टिस्ट ने पिछले दिनों रिकॉर्डिंग पे मेरे पीछे से कुर्सी खींच ली और इनकी उल्टबाजी लगी, लेकिन मैंने लगनी नहीं दी क्योंकि मैं सीनियर आर्टिस्ट सीनियर थी, ये कवर कर गई। कि सीनियर अगर मैं उल्टबाजी खाती मैडम आप तो ऐसे बैठती ना कुर्सी पे जिस तरह मोटरसाइकिल पे बाबा बैठता है, इस तरह टांगे करके, आप भी तो सीधी तरह बैठा। अच्छा, आपने मुझे फरमाया कि मैंने आपको पहचाना नहीं और अब पता चला कि आप मुझ पे कितना फोकस किए हो। नहीं मैंने फोकस नहीं किया, जब आप गिरने लगे तो इन्होंने ये बात मेरे साथ भी की, इंसल्ट होने की इंतहा होती है। इन्होंने कहा जी मैंने कभी नहीं इनको किसी ड्रामे में नहीं देखा, ये मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, मैं रबड़ पहनू पोनी पहनू हेयर बैंड पहनू या कैचर लगाऊ आपको इससे क्या, डोंट टैक माई हेयर स्टाइल ओके। मैं असल में बात करना चाहता हूँ, मैं इनको जानता हूँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट दौर का आदमी है, मासी सुगरा का ये बेटा है जिनके घर में टीवी नहीं होता था, ये लोगों के सौदे ला ला कर उनके घर में घुस के टीवी देखा करता था, हमारे ड्रामे देखा करता था। आज ये कह रहा कि मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको देखा नहीं, मैंने आपका कोई ड्रामा नहीं देखा, ये झूठ बोल रहा है। रैम्बो भाई आप इनसे पूछे, ये दावा करते हैं मैं राइटर भी हूँ डायरेक्टर भी हूँ, ये राइटर कैसे बने, कैसे लिखना कैसे आया इनको, कैसे आया, ये नजूमियों की दीवारें लिखा करते हैं। नहीं नहीं गर्मी 7 दिन में दूर वहां से लिखते लिखते काले जरकान के लिए हमारे पास है दीवारें, लिखते लिखते नावल पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा जी, लिखना तो आता था, अब कहानी नावल से लेनी शुरू कर दी, और नावल भी वो पढ़ते थे जो मार्केट्स में बैन थे और लोग कहते थे नॉवल मैन, नॉवल मैन। ये उस तरह के राइटर बने हैं जो हमारे पाकिस्तान के नामवर राइटर हैं, अमजद इस्लाम अमजद साहब, इशफाक अहमद साहब, क्या बात है बाबा जी, असगर नदीम सैयद साहब जैसे राइटर बनी, क्या बात है, मुस्तनसर हुसैन तारर साहब जैसे राइटर बने, और अगर राइटर नहीं बन सकते तो मुस्तनसर हुसैन तारर कह के दिखा दीजिए। मेरी बात सुने जी, आपने कहा कि मुस्तनसर हुसैन तारर का नाम लें तो मैं उनका फैन हूँ, उनका नाम पता चले ये बात। आपने अमजद इस्लाम अमजद साहब का नाम लिया, असगर नदीम सैयद साहब का नाम लिया, मुस्तनसर हुसैन तारर साहब का नाम लिया, तो मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। देखिए हमारा राइटर भी आप किसी से कम नहीं है, आपने सबका नाम लिया तो आप खलीलुर रहमान कमर साहब का नाम लिया, उन्होंने हाथी पै जाना मतलब खलीलुर रहमान कमर साहब तो खुद मेरे फैन है कि भाई नबीला ऐसा ड्रामा लिखना चाहता हूँ जिसमें नबीला हाशमी तुम परफॉर्म करो मेरे ड्रामे में, आपको सामने बिठा कर
ड्रामा लिखना चाहते हैं। बात कर रहे हैं ना, वो तो सीखे हुए, आप उनका तो बता रहे हैं, वो तो बड़ा नाम, आप अपना अपना बताए ना, आपने कहा आप कैसे राइटर बन गए? मैं लो देखे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बफजल खुदा जब पैदा हुए थे उस वक्त ही राइटर। हाँ, इनके हाथ में कलम था जब पैदा हुए। अच्छा जी, आप चाहती हैं कि आज का ड्रामा थोड़ा बदल जाए, ठीक हो जाए, आपके हिसाब से ठीक नहीं है? बजा फरमाया। देखिए जी, हम ये चाहते हैं कि आज के ड्रामे को अगर फिल्म इंडस्ट्री की तरह तबाह होने से बचाना चाहते हैं तो आप नए ड्रामे में पुराने सीनियर आर्टिस्टों को शामिल करें। तो अब आप नहीं, एक मिनट, पुराने सीनियर एक्टर साथ काम कर रहे हैं, हैं बहुत सारे हैं, लेकिन आप नवे चौल पुराने चौल पा के पकावांगे ना जी, खराब हो जाएगी। पुराने आर्टिस्टों को लेकर के आधी टीम पुरानों की और आधे नई की, आप उनसे गाइडलाइन लीजिए ताकि आप ड्रामा कामयाब दे सके। नए लोगों की परेशानी बना ले, जो पुराने उनका सरता बना ले। ये सही कहा आपने कि आप, आपके कहने का मतलब है कि जो इस स्क्रिप्ट से बेजार होके घर बैठ गए हैं उनको वापस लेके आया जाए और नए लोगों के साथ खड़ा किया जाए ताकि उनकी, उनके तजर्बे से, उनको देखते हुए, उनके साथ काम करके जो आप सीख सकते हैं वो वैसे सीख नहीं सकते। बजा फरमाया। इन्हें नू किन्हें लैंड जाना है, इन्हें नू आप ही होना पड़ना सारा। नहीं नहीं, आप देखें, उन्होंने जिंदगियां दी हैं इस काम को, आप उनको बुलाएंगे तो वो आएंगे। घर से लेके आइए रैम्बो साहब, ये जो नाराज हैं उनको लेकर आइए, आप बुलाइए उन्हें। देखे, हमारा एक्सप्रेशन का काम होता था, हमारे बाल, कान, नाक, आंख, हर चीज काम किया करती थी। क्या आप खुद काम नहीं करते, पैसे लेते हैं आप? अच्छा जी, आपका बहुत शुक्रिया जी, आप, आपकी हमने बातें सुनी, आपका एक्सपीरियंस हमारे सामने आया, शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, वेलकम जी। बात ये ख्वातीन और ज़रात, जो पहले ड्रामा बनता था वो भी हम ही देखते थे, जो आज बनता है वो भी हम देखते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं। और बहुत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीच में वो कहते थे, मैसेज आते थे, बात करते थे कि जी आज का ड्रामा देखा नहीं जाता, हम फैमिलीज के साथ नहीं देख सकते, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। और बात इनकी सही है, उसी ड्रामे की रेटिंग आ रही है, आप जो देखना चाहेंगे वही आपको दिखाया जाएगा। अगर आपने ये ड्रामा, ये सब्जेक्ट नहीं देखना, ड्रामा तो आपने देखना है, ड्रामा तो हमारा बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, आपने ये सब्जेक्ट नहीं देखना, आप रिजेक्ट करें, रेटिंग नहीं आएगी, सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। आपको ये गिला ना करें, ये ड्रामा अच्छा नहीं लगता तो आप मेरा ड्रामा रोबन घोष निकाल के देखें, वो देखें। बहुत अच्छे रोबन घोष भी है, बाल सन तुहाडे। मंजो दाड़ो मेरा ड्रामा निकाल कर देखे, वहां पे मंजो पे बैठ के दाड़ो दाड़ो कर रहा जी। तो ये आपके ऊपर है जी, शिकायत करने से कुछ नहीं होता, आपने खुद ही इसका फैसला करना है। ख्वातीन और ज़रात, आज के शो का वक्त खत्म होता है, आपसे दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, रब रखा। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, टैन टैन, देखते रहिए आना।